आखिर कहां सत्यता रह जाती है जब एक ही परिवार की चार चार बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है और दरिंदा पुलिस गिरफ्त से बाहर नजर आता है। जब हम बीते कल बेटी दिवस मना रहे थे, उसी दिन राजस्थान शर्मसार हो रहा था। मामला दोसा का है, जहां एक परिवार की चार बेटियों के साथ विष्णु गुज्जर नामक आदमी ने दुष्कर्म किया और पिछले कई दिनों से लगातार इन पर प्रेशर बनाकर रेप करता रहा। आरोपी विष्णु गुज्जर डरा धमका कर ये दुष्कर्म करता रहा और जब बात हद से ऊपर निकल गई तो मामला जा पहुंचा थाने में। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। उधर पीड़ितों का मेडिकल मुआयना भी हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा और मार्मिक सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं कोई कड़ा कानून इस तरह बन जाए, जब किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला इस जन्म में नहीं हर जन्म में डरता रहे। दरअसल मामले का पता उस वक्त लगा जब बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसकी छोटी बहनों पर बुरी नजर लगाए बैठा था। तो 22 जनवरी को प्रकरण का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। दिनांक 21 को दो महिलाओं का रेप हुआ था, उसमें हमने जो ही हमारे पास तहरीर आई उसके बाद हमने उनका मेडिकल मुआयना करा के 161 में बयान लिए और 164 के लिए जज साहब के सामने पेश किया। उनका वहाँ पे एक का तो बयान हो गया है, एक का बाकी है और इसके बाद हमने संबंधित मुजरिमान को तलाश किया, लेकिन अभी तलाश जारी है, उसमें हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और जल्दी ही उनको हम पकड़कर गिरफ्तार कर लेंगे। चार महिलाओं का एक साथ रेप होना, इसमें एक ही फैमिली से, इसमें क्या संदेह नजर आता है? ये एक विश्वास में आके उन्होंने किया, इनके मुलजिम इनके घर आता जाता था, इनका संपर्क का था, उसने भय और दबाव दिखा के इनको पूर्व समय में ऐसा करता गया और इनको दबा के दबाव में लेके बार बार बड़ी को छोटी को तीसरी को नंबर की बहनों को इसने दबाव लेके ऐसा किया और उनको जान से मारने की भाई बहनों को धमकी देते के ऐसे डराता रहा जिससे कि ये किसी के सामने नहीं आई। इन्होंने अभी हिम्मत दिखाकर अब पुलिस के पास आई है और इनका मुकदमा दर्ज हुआ। कुल मिलाकर कितनी महिलाओं का? इसमें तीन बहनें हैं सगी और एक है बड़ी वाली बहन की बच्ची 10 वर्ष। अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई? अभी तक तो हमने इनके बयान वगैरह जब्ती किए, इनके जो भी इनके साथ हुआ है उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, 164 के बयान कराए हैं जो तीन लड़कियों के तो हो गए और व्यस्त होने के कारण एक के परसों होंगे और इसी दौरान हमने जो अपराधी हैं उनकी तलाश में टीमें तैयार रखी हैं और प्रयास यही है कि वो तुरंत गिरफ्तार। वहीं इस घटना ने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही शायद देश का भी पहला मामला होगा जहां एक ही परिवार में ऐसी वारदात सामने आई हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि दुष्कर्मी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा और किस तरह उसे सजा मिलेगी। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए राजस्थान से HN पांडे की रिपोर्ट।